अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग होता है शुरू। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह। ये मेरा कज़न है मेरे साथ, ये मैं हूँ और ये हम जा रहे हैं। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जगह लेके जाएंगे जो आप देख के बहुत ही खुश होंगे और आपको बहुत ही पसंद आएगी, जो कि हमारे इतना दूर नहीं है, करीब ही है, लेकिन हम पहुंचते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत, सुंदर और ग्रीनरी है उस जगह में, बहुत ही खूबसूरत है। आप इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि आप भी वो जगह देख सकें। मैं आज सुबह सुबह ही सोच रहा था कि मुझे नया व्लॉग पोस्ट करना चाहिए, तो सोचते सोचते कि किस चीज़ पे बनाऊं, शाम हो गई और अभी मैंने अपने कज़न को साथ उठाया कि चलो यार आओ, हम एक जो है व्लॉग बनाते हैं अच्छा सा। तो हम निकल आए अब उस व्लॉग से। गाड़ी को हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरटेक कर ली है, जो कि काफ़ी देर से कोशिश करने के बाद की है, और हम चलते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छी जगह है। जगह दिखाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत मज़े का ठंडा ठंडा मौसम है, और दिन भी हमने अच्छा ही चुना है आज व्लॉग बनाने का, और बहुत मज़े की जगह है। आप जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। अभी हम ये पहुँच चुके हैं हटिया चौक में। मैंने सोचा इधर से कुछ चीज़ें ले लूं, जो जगह है वो ग्रीनरी वाली है, तो उधर बैठ के हम खाएंगे बहुत सुकून से। ये मैंने वेवी लेज ले लिए हैं दो, और इनको इधर काउंटर पे रखते हैं, और इधर से एक स्टिंग ले लेते हैं, इधर से एक स्टिंग उठाते हैं और चलते हैं फिर। तो ये मैंने स्टिंग ले ली है, अब मैं इसको काउंटर पे देता हूँ, पैसे देता हूँ जल्दी जल्दी, और आपको लेके जाता हूँ उस जगह पे जिसका बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार है आप सबको और हमें भी। मैंने चीज़ें काउंटर पे रख दी हैं, अभी ये भाई को पैसे देते हैं। दिस इज कॉल्ड हटिया की मशहूर बेकरी, काफ़ी नाम है इन बेकरी वालों का। भाई आप देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं इनके पास, काफ़ी मशहूर बेकरी है। अगर आपको पूरी मेरी वीडियो में या कहीं पे भी मेरी कोई भी बात बुरी लगा करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें, ताकि मैं अगली दफ़ा उसको करने से परहेज़ करूं, और आप भी दिल में कुछ ना रखा करें, कमेंट में बता दिया करें। बहुत ही चास आ रही है, बस थोड़ा सा गलत आ चुके हैं, अभी हम दोबारा वापस जा रहे हैं। मैं इधर से नीचे उतरना था, लेकिन अब दान सार ने स्पीड सही दबाई हुई थी, जिसकी वजह से हम हल्का सा आगे निकल गए। तो ये अब हम आपको लेके आ गए हैं किसके पास, आप खुद ही अच्छी तरह जानते हैं किसके पास। तो इधर से चलते हैं इनको बाय बाय करके। ये तकरीबन हम पहुंच चुके हैं एक दरबार के पास, जो कि उस जगह के नज़दीक ही है। तो आपको दिखाते हैं दरबार, अंदर से दिखाते हैं कैसा है। तो लेके जाते हैं।
तो ये मैं इधर से हाथ धो लूँगा, वैसे गीले कर लूँगा ताकि जिसने लगाया उसको स्वाब पहुँच जाए। तो इधर से तो कुंडा लगा हुआ है, पता नहीं कुंडा लगा हुआ है बाहर से, लेकिन चलें कुंडा खोलते हैं हम और जाते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर। तो बंदों ने अपने अपने नाम भी लिखे हैं, ये देखें बिलाल खान और ये ज़ैनुल आबिदीन। ये दरबारे आलिया से हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं दरबारे आलिया बाबे हैदर। ये हमारी ग्रैंडी अपने मूड के हिसाब से स्टार्ट होती है। ये हम इसको इधर से निकाल रहे हैं, आगे एक बहुत ही अच्छी जगह आने लगी है जहाँ पे हम बैठ के ये जो हम साथ लेके आए हैं ये खाएंगे। लेकिन उधर का जो व्यू है ना वो बहुत ही मज़े का है, आपको दिखाएंगे। अभी हम जाते हैं उधर, साथ साथ शाम भी हो रही है तो जल्दी जल्दी जाते हैं। देखें सूरज किधर चला गया। ये फुटबॉल का मैच लगा हुआ है इधर, ये बीच में ही फुटबॉल और फुटबॉल के ग्राउंड के दरमियान ये क्रिकेट की पिच बनी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं तो इधर पहले भी एक दफा आया हूँ तो मैंने सोचा कि इधर एक व्लॉग होना चाहिए, लेकिन इसकी पहली दफा आया है इधर। एक सही इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी बहुत इंजॉय कर जी, मैं डेट कर रहा इधर। बंदे को थोड़ा थोड़ा खौफ भी आता है लेकिन खैर है, हम बहादुर हैं। ये वो जगह आ चुकी है जिसका मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, ये जगह है। ये सफर आपको दिखाते हैं मोड़, हाँ बहुत ही प्यारी जगह है यार, इधर बहुत सुकून था। मैं पहले भी एक दफ़ा आया था दोस्त के साथ लेकिन बहुत सुकून था इधर, बहुत मज़े की जगह है। ये मुर्दों के लिए तो आरामगाह है ही है लेकिन हमारे लिए भी है। ये देखें आप, ये बैठने के लिए जगह बनी हुई है और हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये जगह देखें कितनी प्यारी बनी हुई है। मैं जेब में डालूंगा, इधर नहीं फेंकते पूरी बात। वो जगह थी जिसका मैं आपको देख सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, काफी हो चुकी है, काफी लेट हो गए।
ये हम इधर नहीं फेंकेंगे, शॉपर में डालेंगे। हमारी वीडियो में कोई भी बात अगर अच्छी लगा करे तो पिक कर लिया करो यार, इतनी प्यारी जगह है, हम इसको क्यों गंदा करें। इसको अब हम साथ लेके जाएंगे। आपको एक और जगह दिखाते हैं इधर। हम ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर का तो नहीं पता लेकिन इधर नीचे लाजमी सांप होंगे। ये व्यू जो है ना, ये बहुत सुकून देता है, यकीन करें ये बहुत सुकून देता है। क्या मजे का व्यू है, बहुत अच्छी जगह है। वो आप सूरज ग्रुप होते हुए दिखाया है, इधर आपको चांद चढ़ते हुए भी दिखाया है। हाँ बिल्कुल, ये अब हम इधर खा पी के जा रहे हैं वापस घर की तरफ। ये ग्रैंडी स्टार्ट हो गई है, चलो जी। सिर्फ आप इसका साउंड चेक करें, फिर भी उधर लड़के तो ये अब हम पहुंच चुके हैं घर के बिल्कुल करीब। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर नहीं भी लगा तो आप क्या कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।